Hello you all, welcome or welcome back to the channel. My name is Renuma and I hope every one of you is watching this video is doing great. Agar aap mere channel pe pehli baar visit kar rahe ho, then make sure to subscribe. Also click the bell icon right there so that you get notified every time I upload a new video. Follow me on Instagram, my Instagram account is mentioned on the screen. And yeah, let's start with today's video. तो गाइस आज है 17 अक्टूबर ट्यूसडे और आज हम जा रहे हैं अपने मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए. एक्चुअली उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी 13 ऑफ अक्टूबर को बट उस दिन हमने सेलिब्रेट नहीं करी थी तो हमने सोचा आज सेलिब्रेट करते हैं. तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ. अभी हम जा रहे हैं मॉल और सब तैयार हो चुके हैं. मैं आपको अपना आउटफिट मॉल पहुँच के दिखाऊंगी. सो लेट्स गो टू द मॉल. गाइज वी आर हेयर एट द सेलेक्ट सिटी मॉल. ये मॉल आपने किस व्लॉग में देखा था मुझे कॉमेंट से बताना. वैसे नहीं पता तो ये मैंने अपने बर्थडे व्लॉग में दिखाया था. यहाँ पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी. सनसेट का टाइम हो रहा है. एवरीथिंग इज लुकिंग सुपर प्रिटी एंड हेयर इज आर स्टार ऑफ द डे मम्मा. तो आप देख सकते हो ये रही मम्मी और ये रही आशी. आशी मम्मी का फोटो शूट कर रही है एंड यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल फाउंटेन. ओ माई गॉड दिस इज सो प्रिटी. मॉम से हाय. गाइस कमेंट्स में बताना मॉम कैसी लग रही हैं. शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग यू गाइस. डैड अभी वॉशरूम गए हैं फैजल को लेके. वंस ही इज बैक आई विल शो यू. एंड गाइस फैजल इज हेयर. फैजल से हाय. ही इज सो हैप्पी टू बी हेयर. एंड हेयर इज डैड. हेलो डैड. ये रहा मेरा OOTD. मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा. एंड हियर इज माय मेकअप एंड लुक एट दिस. आई लाइक टू बी एजुकेटेड बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड. हेलो टू माय लोनलीनेस. आई गेस दैट इंडोरेंस इज ब्लिस. एंड गाइस ये रहे हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग. हेलो मॉम. हेलो डैड. आप बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड हैंडसम लग रहे हो. सो क्यूट. माशाल्लाह नज़र न लगे किसी की. उसके बाद हम अंदर फूड कोर्ट में आ चुके थे. आप देख सकते हो यहाँ का एम्बियंस कितना कोजी है. और मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर करती हूँ बिकॉज वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और साथ में आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्बेंस टू अदर पीपल जो अपना यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं. तो हमने सबसे पहले एक टेबल ढूंढा था और उस पर वी सैट डाउन और हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे हमें क्या क्या खाना है. तो ऑर्डर दे के आ गई थी मैं और फिर हमने थोड़ी बातें वगैरह की. फैमिली टाइम स्पेंड करा अपना. एंड इसके बाद हमारा फूड आ चुका था जो कि हमने बर्गर किंग से ऑर्डर करा था. हमने ऑर्डर करे थे बर्गर, फ्राइज, बेवरेजेस जो कि हमारा गो टू ऑर्डर होता है. तो हमने क्रिस्पी वेज बर्गर ऑर्डर करे थे और साथ में करे थे वॉपर बर्गर ऑर्डर. और ये रही मेरी कोल्ड कॉफ़ी जो कि मेरी गो टू है एंड एब्सोल्यूट फेवरेट है. वॉपर बर्गर था ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. इसके अंदर की जो फीलिंग थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी. जो चिकन था वो अच्छे से टेंडर हो चुका था, बिल्कुल जूसी था एकदम. हमने खाना एंजॉय करा और उसके बाद हम बाहर गए बैलकनी में जहाँ पे हमने बहुत अमेजिंग सनसेट देखा था. आप स्काई के कलर देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रिटी हो रखे हैं. और जो बाहर लाइट वगैरह ऑन हो गई थी उससे तो स्काई बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. फॉल इज़ ऑलमोस्ट हेयर, विंटर्स आने वाली है. तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी. हमने वहाँ पर खड़े होकर बहुत सारी बातें करी. से
वापस हम अंदर आ गए थे बिकॉज इट वॉज फाइनली टाइम टू कट द केक। और आप ये केक देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, चॉकलेट फ्लेवर का केक था। और अब हम केक कट करने वाले थे मॉम डैड की एनिवर्सरी का। सो अगेन अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। इसके बाद हमने केक खाया था और साथ में और फूड इंजॉय करा था और अपना क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करा था। आई लव माई पेरेंट्स सो मच और मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद हम बाहर गए थे क्योंकि अंधेरा हो चुका था और बाहर सारी जो लाइट्स थी वो ऑन हो चुकी थी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्रिसमस वाइब्स दे रहा है और क्रिसमस पे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशंस वगैरह हो रखी होती है। Faisal is eating Turkish ice cream here. और यहाँ ये अपनी टर्किश आइसक्रीम को इंजॉय कर रहा था। और हमने इसके बाद स्टॉल्स चेकआउट करे थे, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लग रखे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्टॉल्स थे, किसी पे कुछ ज्वेलरी मिल रही थी, किसी पे ड्राई फ्रूट मिल रहे थे, किसी पे क्लोथिंग आइटम मिल रहे थे। और हमने सोचा था कि इट वॉज फाइनली टाइम टू गो बैक टू आर होम स्वीट होम। आज का दिन फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा गुजरा मेरा और मैंने सोचा अपना आउटफिट भी दिखा देती हूँ एक बार घर जाने से पहले। एंड या गाइज वी आर बैक होम। तो आपने देखा था आज का दिन हमारा कैसा गया था, हमने अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी। आप मुझे कमेंट से बताना आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा था। मुझे ऐसे टाइप के आउटफिट बहुत अच्छे लगते हैं, ओवर साइज टी शर्ट शेफ केस है ये आउटफिट मेरा, ये पर्सनली गो टू आउटफिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें, एकदम मुझे कूल गर्ल वाली फीलिंग आती है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा है। आपको पिक्चर देखनी है इस आउटफिट पे तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं पिक्चर्स अपलोड करूँगी। एंड या दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। मुझे कमेंट से बताना आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना। मेक श्योर टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, लाइक कॉमेंट शेयर, मेक श्योर टू डू ऑल द गुड थिंग्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वेलकम।